وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.

छब्बीस सत्ताईस और दस नंबर नौ सौ इक्यावन आज का मौजू क्या हम अपने पैगम्बर की तालीमत को अपने अमल से झुटला रहे हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्तर सबक का इरादा होगा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से रही शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ नंबर 26. अल्लाह तब्ला के अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो इन्नी अहाफुम आज़ाब अली। मैं डरता हूँ कि तुम पर एक रोज़ दर्दनाक आजाब आएगा अगर तुम नहीं करोगे ना अल्लाह की बंदगी देखें ये आयत जो है बराह रास्त हमारे लिए है हम लोग अल्लाह की नाफ़रमान कौम है इस वक्त मिन हैसल कौम हम अल्लाह ताला की एक नाफ़रमान कौम है हम अल्लाह ताला की बंदगी में आर महसूस करते हैं और ये अल्लाह की बंदगी में आर महसूस करना ये बहुत बड़ा जुर्म है बहुत बड़ा गुना है कि आप अपने रब की बंदगी में आर महसूस करें और ये अगर मैं आपको कहूँ तो ये अल्फ़ाज़ ठीक है यानी मुझे इतना एहसास है कि आप इस बात को थोड़ा सा यानी ताजुबन समझेंगे लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने रब की बंदगी में आर महसूस करते हैं और जिसने भी अल्लाह ताला की बंदगी में आर महसूस किया तो अल्लाह ताला उसे आज़ाब अलीम ज़रूर देगा दर्दनाक आजाब देगा ये बात नोट कर ले साहब कहा चाहे वो जो भी हो अभी आएगा इसमें आगे पैगम्बर का बेटा जो है वो अल्लाह के आजाब में गिरफ़्तार हो गया पैगम्बर का बेटा था बहरहाल तो आगे चलते फ़काल फ़कालउन कफ़रुमिन कौम ही उसके जवाब में उसकी कौम ने कहा कौम के आ, सरदार सरदारों ने कहा माँ ना का बशरम इसलोना कि तुम तो हम तो नहीं देखते हमारी नज़र में तो तुम इसके सवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हमारी तरह व माँ ना काबा का लजीन हम और लोना और Uh, जो तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं का हम नहीं देखते इतबा का जो तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं लेकिन ये वो लोग हैं जिनको यानी आराज लोना वो हम में से कमतर लोग हैं बाद है। और वो कुछ ऐसी उनकी समझ भी नहीं है यानी सती अकल वाले हैं वमान रा का वमान रा लकुम अलै ना मिन फ़जलन और हम तुम पर अपनी कोई फजीलत नहीं पाते बल नजुन नकुम का जबिन बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं ये जवाब दिया कॉम ने यह जवाब दिया तो अब ये देखें हम सूरत का मताल ऐसे करेंगे यानी जो भी आयात आ रही हैं तो क्या हम क्या हम में कुछ जरासीम ऐसे मौजूद हैं <coughs> तो पहली बात जो है कि तुम तो हमारी तरह एक इंसान हो तुम कैसे रसूल हो गए मक्के के काफिनों ने भी यही कहा था कि न, वला तुम बशरम मिसल कम इनकुम इज़ल न खासरून अगर तुमने आ, अपने, आ, अपने साथियों से कहते थे कि यार तुमने अगर पैरवी की अपने जैसे इंसान की तो तुम तो बड़े नुकसान बड़े नुकसान में पड़ जाओगे फिर वो ये कहते थे कि माँ लिहा हाजर रसूल अकुलता वमशिफिलसवाक़ कि ये कैसा रसूल है कि बाज़ारों में चलता फिरता है और खाना खाता है तो देखें हम किसी अल्लाह वाले को आज भी हम किसी अल्लाह वाले को आ, उसकी कोई हैसियत नहीं होती बस वो पुराने जो बुज़ुर्ग गुजर गए उनके बारे में हम ये सोचते हैं यार वो तो बाज़ लोग ऐसा है आ, आम तौर तो पे तो लोग बुज़ुर्गों के भी ख़िलाफ़ हैं वो तो एक अलग मसला है लेकिन जो बुज़ुर्गों को मानते हैं किताबों में तस्करा होता है अल्लाह का फ़लाने बुज़ुर्ग फ़लाने बुज़ुर्ग तो लोग कहते हैं यार आज तो ऐसे लोग नहीं पैदा होते यानी ये लोग हम में मौजूद हैं जाहिर है कि ये हिदायत देने वाले हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक मेरी उम्म मेरी उम्मत में एक टोली ऐसी होगी जो हक़ पर कैम रहेगी और किसी मलामत करने वाले की मलामत से वो नहीं डरेगी तो ऐसे हक वाले तो आज भी मौजूद हैं कल भी थे और कयामत तक रहेंगे क्योंकि हिदायत का इंतज़ाम तो अल्लाह के ज़िम्मे और अल्लाह ताला ने हिदायत का इंतज़ाम किया हुआ है ये नहीं है कि नेक लोग आज मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारी नज़र में जो आज जिन्हें हम चलता फिरता देखते हैं बाज़ारों में उसकी हमें हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है तौर पर मैं कह रहा हूँ यानी आप अपने जहन को देखें यार वो फ़लाँ वली बहुत बड़े रुतबे वाले थे आज तो ऐसे लोग नहीं हैं <laughs> ये एक माहौल है बादल मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मज़मून की तरफ़ आता हूँ माँ नाक अल्लाह बशरम मिसलना तुम हमारी तरह के इंसान हो तो ज़ाहिर है पैगम्बर जो होता है या आज जो अल्लाह ताली का दोस्त होगा वो हमारी तरह का एक इंसान होगा खाता पीता होगा बीवी बच्चे होंगे उसके और का, कोई कारोबार करता होगा या जो भी है उसकी मसरूफियत हमारी तरह का एक इंसान होगा कोई तुर खान तो नहीं होगा या कोई अजूबा तो नहीं होगा कि आप उस अजूबे को देख के कहें कि यार वो या उसकी करामत अक्सर तो ये होता है करामात के हम तालिब होते हैं एक बुज़ुर्ग की बुज़ुर्गी के लिए उसकी करामत हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी बुज़ुर्ग के पीछे अगर आप तलाश भी करें तो फिर आम तौर पे लोग कहते हैं यार इसकी करामत क्या है इसकी तो कोई करामत नहीं है लिहाजा ये तो अल्लाह का वली नहीं हम तो इसको नहीं मानते खैर वो यानी ये यानी उन्होंने पैगंबर को कम जाना तुम हमारी तरह के इंसान हो फिर जो पैगंबर की पैरवी करने वाले थे अमूमा पैगम्बर की पैरवी जो है पिसाव तबका करता है निचले तबके का क्योंकि सरदार ख़ान खवानी नवाब उनकी तो अपनी एक दुनिया होती है और पैगंबर की एतात में वो अपनी यानी वो दुनिया ख़राब हो जाती है उनकी उनको एतात कबूल करनी पड़ती है वो उसके लिए वो सरदार लोग तैयार नहीं होते यहाँ मलाअ का लफ्ज़ है फ़ाल उल्लजीना उस कौम के सरदारों में नहीं तो सरदार आम तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं हुजूर हमारे हुजूर तशरीफ़ ले गए तायर ताइफ तरफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के जो सरदार के सामने उन्होंने पेश किया अपनी दावत को तो उन्होंने जुटला दिया बल्कि बहुत बुरा सलूक किया हमारे हुजूर के साथ तो सरदार लोगों में तो एक ख़ास घमंड होता है मैं आज के ख़ानवानीन तो हमारे दर्श वग़ैरह तो सुनते नहीं हैं और ये यानी एक चीप किस्म की प्रैक्टिस लगती है किसी अल्लाह के दर सुनना या किसी सी यानी कान यानी यानी सही अंदाज़ से सुनना ये ये बड़े जो ख़ान ख़वानी हैं पैसे वाले इनको ये एक चीप प्रैक्टिस लगती है उनकी अपनी आते हैं बहरहाल मैं उस तफसील में नहीं जाता लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो जो रिस्पांस दिया उन लोगों ने वही रिस्पांस हमारा भी है पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी नज़र में क्या अहमियत है सिवाय के कि हम उनको अल्लाह का पैगंबर समझते हैं बस उनका उस वह हसना हमारे लिए कोई नमूना तो नहीं है रोल मॉडल तो वो हमारे लिए नहीं है जबकि हकीकत में तो वो हैं लेकिन हम तो उनको फॉलो नहीं करते मैं मैं तो आप लोगों के में से हूँ यहाँ तो हम गैरों को फॉलो करते हैं आप देख लें हमारे यहाँ जो फ़ैशन आता है बस उस फैशन की पैरवी करते हैं चाहे वो मर्द हों या खात हों पहले लोग जो है लंबे लंबे कुर्ते पहनते थे एक ज़माना था फिर ज़माना आया कि आधी रान तक कमीज पहनते थे छोटी कमीज़ें वो फ़ैशन हमने अपना लिया खुवान को देखें बस जो फ़ैशन आया एक ज़माने में जो इंग्लैंड की जो मलका थी लेडी डयाना वो बॉय कट वो अपना करती थी तो लोगों ने बस वो डयाना स्टाइल बना लिया था उसको फॉलो करते थे हम तो अपने नबी को फॉलो नहीं करते ये बात नोट कर लें ना हम उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं और नबी की बात क्या हम तो अल्लाह की बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं अल्लाह की बात मानने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं और इबादत को तो हमने चंद रसूम तक महदूद कर दिया है कलमा नमाज रोज़ा जक़ात हज बस ख़त्म हो गई बात और तो हम इबादत करते नहीं हैं ज़्यादा वो करें तो इबादत तस्वीर हाथ में उठा लेंगे या अंगूठी हाथ पे बाँध लेंगे या गुठलियाँ गिननी शुरू कर देंगे ये हम इबादत कर रहे हैं क्या है भई अल्लाह का अल्लाह को याद कर रहे हैं इबादत कर रहे हैं दिल में हमारे दुनिया है और ज़बान हाथ में हमारी तस्बी है तो वो तो तस्बी हाथ तो वो असर नहीं करती बहर <coughs> तो मैं सर आपको ये कह रहा हूँ ये देखें बहु, बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है कि नाम का वाक़ हम मैं अपने आप पर फिट करूँ या आपको ऐसा करके बताऊँ कि देखो ये तो हम हैं ऐसा तो ये रिस्पांस हमारा है अपने पैगंबर के सामने तो पैगंबर की सबसे पहली बात जो है वो ये है हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी नज़र में क्या अहमियत है हमारी मालूम तो बिल्कुल महदूद हैं देखें हमें उनकी दावत का पता तक नहीं है एक साच साफ सच्ची खरी बात अगर मैं कहूँ अक्सरीत को हजूर सल्ला वसम जो दावत ले कर उन उस दावत का पता तक नहीं है हमें अपनी हकीकत का पता नहीं है कि हम हैं कौन आप देख लें वो मियाँ और बीवी जो घर में लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं वो कहते हैं हम तो यही हैं बीवी कहती है मैं बीवी हूं मिया कहता है मैं मियाँ बात तो ये नहीं है आप तो ये नहीं है जो नजर आ रहे हैं आपके अंदर तो अल्लाह की फूकी हुई एक रूह है आप तो एक नादिर चीज है आपका ताल्लुक तो Allah से है वन फी मिर रूही फकर लहू सा अल्लाह की फूकी हुई एक रूह वो चार महीने जब बच्चा बन जाता है जनीन में उस वक्त ये फूकी फुंक, रूह फूकी जाती है वो रूहे है तो उस पानी के वो कतरे में भी मौजूद होती है। तो आप अपने आप को भी नहीं पहचानते देखें शुरू बात कहां से होती है कि आप अपने जाहिर के बारे में ना जाने तो जब आप जाहिर अपने जाहिर जाहिरपन यानी नहीं, नहीं पहचानते देखें तो आप अपने आप को भी अपने दी हैं कि आप जाहिर के बारे में तो अपने देखें नहीं पहचानते हैं कि आप जाहिर के बारे में तो देखें अपने जाहिर पर जीती हैं कि आप नहीं पहचानते से पढ़े रहेंगे और यदि मेरी मौत के बाद भी इंशाल्लाह लोग सुनेंगे इसको मुझे पूरा यकीन है तो मैं आपको यह कह रहा हूं आप अगर अपने आप को नहीं पहचानते आप अपने रब को भी नहीं पहचान सकते आप अपने दीन को भी नहीं पहचान सकते आप अपने रसूल को भी नहीं पहचान सकते सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें उस पर यकीन करें आप जो नज़र आ रहे हैं वो नहीं है आपकी वो हकीक़त नहीं है आपके अंदर तो वो एक रूह अल्लाह की है एक रूह है यकीन कर लें कि आप वही हैं और ये भी यकीन कर लें कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है आर्जी है एक थोड़े अरसे के लिए है और ये भी यकीन कर लें कि अल्लाह ने आपको अपने लिए बनाया है कि आप अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयारी करें दुनिया क्या है रब की मुलाकात की तैयारी की जगह का नाम क्या है दुनिया तो ये होता है बात यानी इस पे ज़रा आप गौर कीजिएगा खैर मैं ये एक जाम जुमला कहना चाहता हूँ अल्लाह ताला की तोफ़ी और उसके फजल से कि जाम जुमला ये है कि आपने अगर अपने आप को नहीं पहचाना तो आप अपने रब को भी नहीं पहचान सकते और फिर आप अपने पैगम्बर को भी नहीं पहचान सकते अब ये पैगंबर को जवाब दे रही है उसकी कौम कि भाई तुम तो हमारी तरह के एक इंसान हो क्या ऐसा ही है नो अल्लाह के रसूल जो हैं वो तो अल्लाह का नूर हैं अल्लाह के हजूर ने फरमाया ना कि मन्नूर मैं अल्लाह के नूर से हूँ तो इंसान के लिबास लिबास तो इंसान का है लेकिन अंदर तो नूर इलाही है ये एक अलग हमारे यहाँ इख्तलाफी मसला बना है कि हुजूर नूर हैं कि बशर हैं बहर ये तो ज़ाहरी तौर पे है लेकिन हकीकत तो इंसान की हकीकत ये है कि ये तो अल्लाह की तरफ से है चे जाए कि पैगम्बर वो तो एक चुनीदा हस्ती होती है बहरल तो वही जुमला मैं अभी आपको दोबारा कह रहा हूँ इसको ज़रा मैं स्पीड भी कम कर देता हूँ ताकि आप इस पर गौर करें अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना आप अपने अल्लाह को भी नहीं पहचान सकते अपने पैगंबर को अपने कुरान को किसी चीज़ को आप पहचान नहीं सकते फिर आप धोखे में रहेंगे। अगर आप अपने आप को नहीं पहचाने अपनी हकीकत पर आपने यकीन नहीं किया यकीन की भी बात होती है ना यकीन आपको अपने आप पे नहीं आ रहा ठीक है मैं आपको खबर दे रहा हूँ लेकिन आपको यकीन ही नहीं आ रहा नहीं ये ये भी तो हो सकता है चालीस साल तकरीबन हो गए मेरी दावत देते हुए मिसाल के तौर पर लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा मेरी बातों पर सुन लेते हैं माशाल्लाह सुबहान अल्ला कुछ तारीफ़ें करते रहते हैं ओ हो तो आपको समझ में नहीं आएगी बात ना कुरान समझ में आएगा न रसूल की समझ आएगी न अल्लाह की समझ आएगी अगर आपने अपनी हकीकत को इग्नोर कर दिया और उस पर यकीन न किया तो यकीन पहले अपने आप हासिल करें बहरहाल ये तो फिर अलग मौजू आ कि कैसे कैसे खैर तो पहली बात उन्होंने ये कही कि तुम तो हमारी तरह के इंसान हो तुम में और हम में फ़र्क क्या है <laughs> जो तुम खाते हो ये कुरान की आयत का मफो जो तुम खाते हो वो ये खाते हैं जो तुम पीते हो वो भी ये पैगम्बर भी पीते हैं तो फ़र्क क्या हो गया ये अल्फाज कुरान खैर फिर उन्होंने जो पैगम्बर के ईमान वाले थे ईमान लाने वाले थे उनको भी कहा कि ये तो कुछ सती क़िस्म के लोग हैं ये तो कोई ख़ास लोग नहीं है तुम्हारी पैरवी करने वमान आरोक तब आकाजी सती सोच वाले हैं सती सोच मतलब ये तो कमतर की ये सरदार कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पैरोकार तुम्हारे फॉलोअर्स तो बस कौन है अब हजूर सुलीस जब तशरीफ़ लाए तो यानी ज़ाहिर के सरदारों ने तो इनकार कर दिया था बड़े बड़े जो सरदार थे बज़ाहिर उन्होंने तो इनकार कर दिया था हुजूर ने ख़ुद फ़रमाया कि इस्लाम की इब्तिदा गुरबा से हुई है इस दावत की इब्तिदा गुरबा से हुई है फतूबा लिल गरबा बार तो मानरा अच्छा फिर उन्होंने कहा कि मानरा रहा लकुम अलैना मिन फजल तुम पे तुम्हें हम पे तो कोई फजीलत हासिल नहीं है अब यही वो नादानी वाली बातें कर रहे हैं वो कौम और यही हम भी कर रहे हैं हमारा जो आप देख लें आज की जो क्रीम है 2020 की वजीर आजम आर्मी चीफ चीफ जस्टिस किसी की भी दाढ़ी नहीं है क्या मतलब इसका मतलब यह है कि उनको कोई अहमियत नहीं है रसूल के तरीक़े की रसूल के नाम पे तो उनके मदीना मदीना है लेकिन काम तो उनके मदीने वाले नहीं है जो शक्ल है मदीने वाले की तो नहीं है तो वो ये जो होते हैं ना ये आम तौर जो किसी घमंड में होते हैं कि हम बड़े हैं वो फिर पैगंबर का इतबा करने में शर्म महसूस करते हैं आज का जो वज़ी अज़म है 2020 का क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि वो इस इकतदार की हालत में सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी छोड़ देगा नो तसवुर भी नहीं कर सकते या आर्मी चीफ़ हो गया हमारा वैसी मैं ये किसी पे उंगली नहीं उठा रहा लेकिन मैं वैसी कह रहा हूँ एक बड़ाई का एक घुमंड बड़ा मानरा लकुम लकुमाल तुम्हें अब हम अपने ये देखें बड़ों को छोड़ दें हम खुद पैगंबर की पैरवी नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं बड़ाई असल में इंसान खुद एक तकबर में मुबतला होता है ये बात नोट कर लें इंसान इब्तदाई तौर पर तकबर में मुबला होता है ये किसी के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होता चाहे वो अल्लाह ही का हुक्म क्यों ना हो अल्लाह के हुक्म को तो आज हमने बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया है अल्लाह को अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी अल्लाह की बंदगी इसमें हम हार समझते हैं तो इस बात पे सोचना चाहिए मा नरा लकुम अलैना मिन फजलिन तो नतीजा क्या बल नज़ुल्नकुम काज़िबीन हम तुम्हें झूठा समझते हैं यानी तुम्हारी बात तो सच नहीं है सच वो है जो हम कर रहे हैं <coughs> ये देखें आज हमारी वो है हमारी वो है हमारी आदत है बल नज़ुल्नकुम काज आज हमने अपने रसूल उसकी दावत और उसके पैगाम को अमली तौर पर हमने झूठा समझा है देखें एक बात को ये आपस की बात है मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर रहा थोड़ा इस बात इस बात पे सोचें इंसान वो काम करता है जिसको वो सच और हकीकत समझता है वो काम करता है जिसकी वो ज़रूरत महसूस करता है और वो सच समझता है हकीकत समझता है आप अपने बच्चे की तालीम पे लाखों रुपए लगा देते हैं पंद्रह सोलह साल तक तो आप ये नुकसान नहीं समझते जो भी आप ख़र्च कर रहे हैं उसको नुकसान नहीं समझते जितनी आप बच्चे की तालीम पे पैसा ख़र्च कर रहे हैं क्या कभी इतना पैसा आपने अल्लाह को अल्लाह की राह में लगाया है या उसकी ज़रूरत महसूस की है या आप उसको कोई फ़ायदे का सौदा समझते हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करना हम आम तौर पे मैं बात कर रहा हूँ हम एक नुकसान का सौदा समझते हैं महल्ले की मस्जिद रही है एक करोड़पति है कहता है ले लो यार दस हज़ार रुपये ले लो मेरे भी रसीद काट देना बस बात ख़त्म हो गई बात तो पूछते भी नहीं है फिर शर्म के मारे बाद लोग दे देते हैं पैसे शर्म के मारे ओह हो तो ये सब हम देखें मैं हम दरअसल झुटला रहे हैं अपने पैगंबर की दावत को उनकी तालीम को क़ुरान को और अल्लाह की उलूत को भी अल्लाह ताला यहा वाहिद है व मामिन इलाहिन इल्ला अल्लाह के सिवा तो कोई माबूद नहीं है लेकिन हम उसको झुठला रहे हैं अमली तौर पे बल नज़ुन नजुन्नकुम काजबीन ये कौन कह रहे नू आसम की कौम अपने पैगंबर को कह रही है कि हम तुम ए पैगंबर तुम्हें और तुम्हारे जो पैरोकार हैं हम इनको झूठा समझते हैं यही बात आज हम कह रहे हैं अपने पैगम्बर से अपने कौल से अमल से कौल से नहीं अमल से माफी चाहता हूँ मैंने बेदहानी में अपने कौल से नहीं कौल से तो हम पैगम्बर को कभी झूठा नहीं कहते न कहने की जसारत कर सकते फिर तो वो आ, मुकदमा बन जाएगा अगर हम कहें हो सकता है कोई हमें ठोक भी दे तो बल नजुन्नकुम काजबीन बल्कि तुम झूठे बल हमारा यकीन ये है गुमान ये है कि तुम लोग झूठे हो तुम्हारी दावत की ए पैगंबर जो तुम दावत दे रहे हो जो तुम्हारे साथ पैरोकार हैं उनको कोई हम पे कोई फजीलत तो हासिल नहीं है मा लकुम रकुम अल मिन फजल बल नजकुम का मैं आपको ये कह रहा हूँ ये पूरी ए टू जी ये आयत जो है आयत नंबर 27 ये हम हैं हम अपने पैगंबर को ऐसा कह रहे हैं मा न रा का बशरम

إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أليم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل بادي الرأي वबा नाम फजलिन का तर्जुमा सुना दें अल्लाह तब्ला तुम अल्लाह के सिवा किसी की पैरवी न करो किसी की बात न मानो किसी की तात न करो अल्लाह के सिवा इन्नी अखाफुम अज़ाब अलीम और अगर तुम करोगे तो मैं डरता हूँ तुम पर बड़े दिन के बड़े दर्दनाक दिन के अजाब सेफ़रुन कौम ही माला बशरम तो काफिरों ने उनकी कौम के जो सरदार थे जो इनकारी थे सलाम की रिसालत से तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देखते लेकिन तुम हमारी तरह के एक इंसान हो वमान राक तबा का लजीन हम राय और हम नहीं देखते जो तुम्हारे पैरोकार हैं मगर ये वो लोग हैं जो हम में कमतर दर्जे के हैं और सती सोच वाले हैं वमा नरा लकुम अलैना मिन फजलिन और हम नहीं देखते दे कि तुम हमारे मुकाबले में कुछ फजीलत रखते हो बल नजुम काजबीन बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं अविनायत की तलावत और तर्जुमा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بنه منتهما الله شيطان مردود بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله كي نام س. جو بڑا مهربان رحم والا. لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم كي خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذاب أَلِيمِ کا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरों वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और वो भी राय जाहिर से ना नाक से और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं इसके साथ ही सामने ग्राम आज के दर्स का वक्त अख्तितम को पहुँचा इन शह अगले दर्स में मुलाकात होगी व आखिर दावाना रबालमीन वसलकम वरम वक् مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم